आज शिवसेना JNK इकाई द्वारा जम्मू प्रेस क्लब के बाहर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। शिवसेना JNK इकाई के अध्यक्ष मनीष साहनी ने कहा कि जम्मू कश्मीर से गायों को अवैध रूप से मणिपुर ले जाया जा रहा है और प्रशासन का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है, जिसके लिए उनकी पार्टी प्रशासन की कड़ी निंदा करती है। और इस संबंध में उन्होंने आगे कहा कि बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई का आज का हमारा जो प्रदर्शन था, वो जो हमारी गौ माता, जिसको हर हिंदू हर भारतवासी गौ माता के रूप में पूजता है, उनको बहुत बर्बरतापूर्ण तरीके से और खास करके मैं कहूंगा कि गैर कानूनी तरीके से जम्मू से हजारों किलोमीटर दूर नॉर्थ ईस्ट स्टेट के मणिपुर में लेकर जाया जा रहा है। ये तमाम गायों को सड़क के रास्ते ले जाया जा रहा है। जो मोटर व्हीकल एक्ट 2016 का सरेआम उल्लंघन किया जा रहा है और सब कुछ प्रशासन की देख रेख में हो रहा है, हमारे माननीय उपराज्यपाल साहब की देख रेख के अंदर हो रहा है, जिसको लेकर हमने लिखित एक शिकायत माननीय उपराज्यपाल जी को भी भेजी है, डीप कॉम साहब को भी दी है, RTO को भी दी है और IGP जम्मू को भी दी है कि ये जो गैर कानूनी तरीके से हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए, जिसको हम गाय माता कहते हैं, उनको गाड़ियों के अंदर ठूसा जा रहा है, भरा जा रहा है बर्बरतापूर्ण तरीके से। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार मैं आपको बताऊं कि इसके लिए विशेष लाइसेंस की जरूरत होती है और जितनी भी गाड़ियों के अंदर ये पशुधन को ले जाया जाता है उनके लिए अलग अलग कैबिन बने होने चाहिए। इस तरह की कोई भी सुविधा इन गाड़ियों के अंदर नहीं है। जो 350 गायें वहां पर मणिपुर पहुंची हैं, वो बहुत सुदबुद हालत के अंदर, बिल्कुल भी खराब, बर्बरतापूर्ण तरीके से उनको भी ले जाया गया था। और आज और जो 400 गायें यहाँ पर बची थी, उनको लोड की प्रक्रिया भी पूर्ण रूप से जारी है। अब हम यहाँ के बाद सीधा वहां पर बेली चढ़ाना जा रहे हैं। हम ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, शिवसेना बर्दाश्त नहीं करेगी कि गौ माता, जिसको हम माता के रूप में पूजते हैं, उसके बाद उसके साथ किसी तरह भी प्रशासन किसी तरह का बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाए।